हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग कॉन्फिडेंट। होप आप सब ठीक होंगे। आज हम अपना 9th चैप्टर करेंगे, मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ क्लास 5th बुक न्यूरॉन वेल एसएसटी। सो स्टार्ट करते हैं। द अर्थ सरफेस इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। जो हमारी अर्थ का सरफेस है वो किससे बना हुआ है? लैंड और वाटर से। और जो वाटर है हमारे पास, वो हमारा 71% अर्थ सरफेस कवर करता है, और जो हमारे पास लैंड है वो 29% कवर करता है। लैंड फॉर्म्स जो होते हैं वो हमारी अर्थ सरफेस पे नेचुरल फीचर्स हैं। लार्ज लैंड मासेस जो हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स, और जो लार्ज वाटर बॉडीज हैं उन्हें हम बोलते हैं ओशियंस। तो हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं एंड 5 ओशियंस हैं इन होल वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 5 ओशियंस। देन जो हमारी अर्थ का सरफेस है वो यूनिफॉर्म नहीं है। कई जगह फ्लैट हैं, कई पे कई जगह जो है वो अनड्यूलेटेड और रफ हैं, जैसे पहाड़ियाँ आ गई। अर्थ दिस वेरिएशन इज कॉल्ड रिलीफ, और इसी वेरिएशन को हम क्या बोलते हैं? रिलीफ बोलते हैं। द मेजर लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ आर माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, डेजर्ट्स एंड रिवर वैलीज। जो हमारी मेजर लैंड फॉर्म्स है अर्थ पे वो कौन कौन सी हैं हमारे पास? माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, डेजर्ट्स एंड रिवर वैलीज, ये हमारे पास मेजर लैंड फॉर्म्स है अर्थ पे। देन उन्होंने माउंटेन को आगे एक्सप्लेन किया है, तो माउंटेन कर लेते हैं। माउंटेन वो एरिया होता है जो हमारे आसपास के लैंड से ज़्यादा ऊंचा हो। माउंटेन्स जो है वो सबसे हाईएस्ट लैंड फॉर्म्स हैं, जिनकी जो है पॉइंटेड टॉप्स, मतलब कि जिनके टॉप्स जो होते हैं वो बहुत ही पॉइंटेड होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पीक्स। द पीक्स मे बी कॉनिकल और राउंडेड एंड मे हैव स्टीप स्लोप्स। जो हमारे पास पीक्स हैं वो कॉनिकल भी हो सकती हैं, मतलब कि कुछ ऐसी शेप की जो मैंने आपकी पिक्चर आपके ऊपर बनाई है स्क्रीन पे, ऐसी शेप की होती हैं पहाड़ियाँ ज़्यादातर, या फिर स्टीप स्लोप्स वो होती हैं वर्टिकल स्लोप, मतलब कि ऐसे भी हो सकती हैं कई स्लोप्स, मतलब कि ऐसे कई वाले पहाड़ होते हैं ऐसे वाले, तो ऐसी भी हो सकती हैं। देन माउंटेन्स जो हैं वो डिफर करती हैं हाइट में, शेप में, उनकी एज के हिसाब से। हिमालयाज जो हैं हमारे पास वो सबसे यंग एंड वेरी हाई माउंटेन है, पॉइंटेड पीक्स के साथ। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अरावलीज जो हैं वो बहुत ही पुरानी हैं और वो लो राउंडेड पीक्स हैं। देन आ गया हमारे पास टाइप्स क्या है माउंटेन्स की। तो फर्स्ट है हमारे पास फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स जो हैं वो कॉमन टाइप है हमारी माउंटेन की। हिमालयास जो एशिया में है और एप्स जो यूरोप में, ये एग्जांपल है फोल्ड माउंटेन्स की। और ये दो टेक्टोनिक प्लेट्स उनके कोलिजन से बनी हुई हैं, जो कि अर्थ क्रस्ट को फोल्ड कर देती है। टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं लार्ज पीसेस ऑफ अर्थ क्रस्ट डैट मूव ड्यू टू अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन और एनी इंटरनल फोर्सेस, मतलब कि अर्थ की क्रस्ट का बहुत ज़्यादा बड़ा पीस जब मूव होता है किसकी वजह से? अर्थक्वेक की वजह से, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से, या कोई भी फोर्स हो रही है उसकी वजह से। तो उसकी वजह से जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो कोलिजन करती हैं, एक दूसरे के साथ टक्कर करती हैं, जिससे अर्थ का क्रस्ट जो है वो फोल्ड हो जाता है। देन आगे हमारे पास ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स क्या होती हैं? दीज माउंटेन्स आर फॉर्म्ड व्हेन द मास ऑफ अर्थ स्लाइड्स अलोंग द क्रैक्स ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस, मतलब कि ये किससे बने होते हैं? जब मास ऑफ अर्थ स्लाइड्स, अर्थ स्लाइड्स का मास अलोंग द क्रैक्स ड्यू टू, क्रैक्स आ जाते हैं जब हमारी, जैसे अर्थ को एक आ गया तो उससे क्रैक्स आ जाते हैं कई जगह से, तो जब वो माउंटेन्स बनते हैं। तो सायरा नेवेदा माउंटेन इन नॉर्थ अमेरिका, जो सायरा नेवेदा माउंटेन है हमारे नॉर्थ अमेरिका का, वो हमारे पास ब्लॉक माउंटेन की एग्जांपल है। देन आगे हमारे पास वोल्केनिक माउंटेन्स, ये होते हैं वो माउंटेन्स जो कि वोल्केनिक करप्शन की वजह से बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल माउंट फूजी जो है हमारे पास जापान में,
ये एग्जाम्पल है उसकी। तो आप पिक्चर में भी देख सकते हो, जैसे ये वाली पिक्चर है हमारे पास फोल्ड माउंटेन्स की, ये पिक्चर है, ये हमारे पास है ब्लॉक की, और ये है हमारे पास वोल्केनिक माउंटेन। देन आ गया हमारे पास कि माउंटेन्स जो हैं वो ऑफन हैव अ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस विच कैन बी हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स लॉन्ग, मतलब कि ये हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर लॉन्ग भी होते हैं। फॉर एग्जांपल कि एंड्स जो है साउथ अमेरिका में और हिमालयस जो हैं वो एशिया में। देन इम्पॉर्टेंस ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स की इम्पॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट है हमारे पास कि माउंटेन एक्ट करते हैं बैरियर, एक्ट एज अ बैरियर, बैरियर के रूप में अगेंस्ट कोल्ड, ज़्यादा सर्दी से, गर्मी से, सूखी विंड से, एंड दस हमें प्रोटेक्शन देती है वो लैंड मास को। द सेकेंड पॉइंट है कि रिवर ऑर्गेनाइजिंग फ्रॉम द माउंटेन्स प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन, ड्रिंकिंग एंड पावर जनरेशन, जो कि रिवर्स माउंटेन से आती हैं वो हमें पानी देती है इरिगेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी देती है, ड्रिंकिंग ऐसी सारी चीज़ों के लिए। देन वेरियस मिनरल्स जो हैं वो पाए जाते हैं माउंटेन्स में। देन जो रिवर्स हैं वो ब्रिंग डाउन सैंड, सैंड और सिल्ट आता है माउंटेन से और वो डिपॉजिट बना लेती हैं अपनी प्लेन्स में ताकि वो प्लेन फर्टाइल हो। देन माउंटेन स्लोप्स जो होती हैं वो रिच फॉरेस्ट, मतलब हैव रिच फॉरेस्ट, उनमें रिच फॉरेस्ट होती हैं और फर्टाइल लैंड होता है। देन नेक्स्ट आ गया हमारे पास प्लेट्यूस। प्लेट्यूस क्या है? एक एलिवेटेड लैंडफॉर्म है फ्लैट, जिसका टॉप जो है वो फ्लैट होता है और स्टीप स्लोप्स होते हैं, मतलब कि वर्टिकल स्लोप। द क्लाइमेट जो है वो प्लेट्यूस का वो बहुत ही ठंडा होता है। एलिवेटेड अब्रप्टली फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड, द सर्फेस ऑफ अ प्लेट्यू इज ऑफन कट ऑफ बाई रिवर्स, जो प्लेट्यू का सर्फेस है वो भी रिवर्स से कट डाउन हो सकता है, मतलब कि रिवर्स उसे काटती हैं, उनमें से पानी भी आता है। ऑलमोस्ट जो हमारी सभी कॉन्टिनेंट्स हैं उनके पास प्लेट्यूस हैं। कुछ प्लेट्यूस वो ज़्यादा बड़े होते हैं और वो हंड्रेड ऑफ किलोमीटर्स तक एक्सटेंड करते हैं। लार्ज पार्ट्स जो हैं हमारे एशिया के, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, ये हमारे पास प्लेट्यूस है। देन इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? प्लेट्यूस में हमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कि डेकन प्लेट्यू जो कि इंडिया में है। देन प्लेट्यू वो ये कैटल की रियरिंग के लिए और शीप के लिए, क्योंकि ग्रासलैंड होते हैं वहाँ पे, इसके लिए अच्छे हैं। देन ब्लैक सॉयल जो है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है इंडिया का, मतलब उसकी ब्लैक सॉयल है वो बहुत ही फर्टाइल है और कॉटन और शुगर केन को ग्रो करने के लिए अच्छी है। देन प्लेन्स, प्लेन क्या होती है? वो लैंड जिसमें बहुत ही लो रिलीफ हो, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा कम रफ हो। देन ये फ्लैट होती है, जेंटली रोलिंग होती है। प्लेन्स जो हैं उन्हें हम लो लैंड्स भी बोल देते हैं। देन मोस्ट प्लेन्स जो हैं वो हमारे पास वर्ल्ड में वो रिवर्स से बनी हुई हैं, एज इन द केस ऑफ जैसे कि नॉर्थन प्लेन्स जो इंडिया में है, रिवर्स जो हैं वो फाइन सिल्ट ब्रिंग करती हैं अपने साथ जब वो डिपॉजिट बना लेती हैं अपने रिवर वैलीज में। फर्टाइल प्लेन्स जो हैं वो भी इन्हीं डिपॉजिट से बनी होती हैं। फर्टाइल प्लेन्स जो हैं वो हमारे पास बहुत ही थिकली पॉपुलेटेड, एज़ फार मोर थिकली पॉपुलेटेड देन माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज। ये प्लेट्यूज और माउंटेन्स से ज़्यादा पॉपुलेटेड होती हैं क्योंकि जो क्रॉप्स हैं वो यहाँ पे इजीली ग्रो कर जाती हैं, यहाँ की इजी अवेलेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे वाटर जो है उसकी इजी अवेलेबिलिटी होती है। देन सम प्लेन एरियाज आर नियर द सी कोस्ट, कुछ प्लेन एरियाज जो हैं वो नियर द सी कोस्ट होती हैं, वाइल सम आर इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट। कुछ जो हमारे पास प्लेन एरियाज हैं वो सी कोस्ट के पास होती हैं, वाइल कुछ जो हैं हमारे पास कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर में होती हैं। तो इन प्लेन्स की अब इम्पोर्टेंस क्या है? प्लेन्स जो हैं वो रिवर वैलीज में होती हैं और वो उनमें फर्टाइल सॉइल होती है और वो एग्रीकल्चर के लिए हमारे पास सूटेबल होती है। सेटलमेंट और जो लाइफ है प्लेन्स में वो बहुत ही ईजी है, इसीलिए जो ज़्यादातर बिग सिटीज़ और टाउन्स हैं वो प्लेन्स में ही लोकेटेड रहते हैं। इट इज़ यहाँ पे रोड्स, रेलवेज, एरोड्रोम्स, इंडस्ट्रीज और हाउसेस जो है वो कंस्ट्रक्ट करने ईजी हो जाते हैं प्लेन्स में।
देन आ गए हमारे पास डेजर्ट्स। डेजर्ट्स जो हैं वो दोनों हेमिस्फीयर्स में पाई जाती हैं। ये वो एरिया है जिसे बहुत ज़्यादा कम रेनफॉल मिलती है। देन टाइप्स क्या हैं डेजर्ट्स की? डेजर्ट जो है वो 15 डिग्री टू 30 डिग्री लेटीट्यूड पे पाए जाते हैं। बोथ साइड जो है हमारे इक्वेटर की वो हॉट डेजर्ट्स होते हैं और वो बहुत ही लेस रेनफॉल या कभी उन्हें रेनफॉल मिलती ही नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको दिया है सहारा एंड कालाहारी डेजर्ट जो है अफ्रीका में। बी साइड्स हॉट डेजर्ट्स देर आर टेम्परेट डेजर्ट्स भी होते हैं जैसे कि गोबी डेजर्ट। देन कोल्ड डेजर्ट जो है वो कहाँ पे किसके पास पाए जाते हैं? पोल्स के या फिर आर्टिक और एंटार्क्टिक सर्कल्स के। फॉर एग्जांपल एंटार्क्टिका जो है वो लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट है हमारे वर्ल्ड में। देन डेजर्ट्स जो हैं वो किसकी वजह से फॉर्म हुए हैं? बिकॉज दे फॉल अंडर द ड्राई विंड्स बेल्ट्स व्हेन ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम इनलैंड इंस्टेड ऑफ रेन बियरिंग विंड्स फ्रॉम द सी। क्योंकि मतलब कि वो ड्राई विंड बेल्ट के अंदर आ जाते हैं। व्हेन द ड्राई विंड ब्लोस जब इनलैंड से ड्राई विंड चलती हैं हमारे पास तो रेन बियरिंग विंड्स के इंस्टेड वो उसी हवाओं मतलब कि सी से जो वो हवाएं आती हैं उसकी वजह से। दे आर ऑल्सो फॉर्म ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी फॉर्म हुए हो सकते हैं। वेयर ओनली इनफर्टाइल सॉइल इज लेफ्ट बिहाइंड, क्योंकि वहाँ पे अब तो अनफर्टाइल लैंड ही है जो कि और जो टॉप सॉइल है वो ब्लोन अवे मतलब कि हवा की वजह से वो उड़ चुकी है। मोस्ट जो हमारे पास हॉट डेजर्ट होते हैं वो वेस्टर्न साइड कॉन्टिनेंट्स की वहाँ पे लोकेटेड रहते हैं। डेजर्ट जो है वो मिनरल रिसोर्सेज में बहुत रिच होते हैं। देन आगे हमारे पास रिवर वैलीज। वाटर जो है वो फ्लो करता है हाई एरियाज से लो एरियाज में किसकी फॉर्म में? स्ट्रीम्स की फॉर्म में मतलब कि स्मॉल रिवर्स की फॉर्म में। मैनी स्ट्रीम्स जो है वो मिलती हैं ताकि वो रिवर बना सके। रिवर और स्ट्रीम्स जो है वो कार्व आउट वैलीज एंड इवन डीप गॉर्जेस और कैनियंस मतलब कि जो रिवर और स्ट्रीम है वो फिर से आगे वैलीज और इवन डीप जॉर्जेस मतलब कि डीप एंड लॉन्ग वी शेप्ड वैलीज जो है वो रिवर से बन जाती हैं और स्ट्रीम से। कोलोराडो रिवर जो यूएसए में है वो डीपेस्ट कैनियन बनाती है हमारे वर्ल्ड का सबसे, जिसे ग्रैंड कैनियन भी बोला जाता है। रिवर जो है वो 3 स्टेजेस से पास होती है। फर्स्ट है हमारे पास अपर कोर्स। इस स्टेज पे जो फॉर्मेशन है हमारी रिवर वैली का वो शुरू होता है विद द कार्विंग आउट ऑफ द चैनल से। देन मोस्ट रिवर्स जो हैं वो अपना पानी वो माउंटेन से ओरिजिनेट होती हैं जहाँ यहाँ पे जो रिवर का फ्लो है वो बहुत ही स्विफ्ट मतलब की और वो डीप वैली से कट होके आना पड़ता है। देन मिडिल कोर्स। सेकेंड स्टेज जो है वो मिडिल कोर्स है जो कि कहाँ से शुरू होता है? जब जो रिवर है लीव कर देती है माउंटेन्स को और प्लेन्स में आ जाती है और ये डीपर होता है वाइडर होता है और इसमें जो है इस जेंटली ये फ्लो करता है। इरोजन डिपोजिशन एक्शन ऑफ रिवर ऑफ बैंक्स जब रिवर की बैंक्स पे डिपोजिशन हुई हो और इरोजन की वजह से विंडिंग कर्व जो है वो बन जाती है जिन्हें हम बोलती हैं मियंडर। और जब व्हेन द पार्ट ऑफ द लूप ऑफ रिवर कट्स आउट टू फॉर्म अ लेक और उससे वो जहाँ पे वो रिवर कट ऑफ हो जाती है उसी पार्ट को हम बोल देते हैं लेक और उसे हम बोलते हैं एक्सपो लेक। देन आ गया हमारे पास लास्ट पार्ट लोअर कोर्स। इस स्टेज पे जो रिवर है वो बहुत ही स्लोली फ्लो करती है और ज्वाइन करती है हमारी सबसे बड़ी वाटर बॉडी को जैसे कि लेक या फिर सी जो कि एक डेल्टा बना लेती है। तो ये था हमारा चैप्टर मेजर लैंडफॉर्म्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट करना, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू फॉर दी कॉपरेशन।